शॉप में मौजूद है हैदराबाद की स्पेशल दम्मे की दवा। हर साल की तरह इस साल भी 7 जून को यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ जो दवा मिलती है उनसे जानते हैं। भाई आपका नाम बोलिए और आप ये कितने सालों से दम्मे की दवा दे रहे हैं लोगों को, उस बारे में। हम ये 55 से 56 साल से ये दवा देते आ रहे हैं। ये दवा जो है तो मरीज है बहुत दूर से आते हैं इस दम्मे की दवा के वास्ते, जो है तो लोग सुबह से इंतज़ार करते हैं। हम ये दवा मुफ्त देते हैं। पहले सर ये जो आपने बताया कि आप मुफ्त दवा देते हैं, इधर ये दवा के आयुर्वेदिक है मतलब हकीमी है ना, ये तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बिल्कुल, इससे फ़ायदा ये है कि ये हर साल जो है तो 7 और 8 दिन को जो है तो बड़े पैमाने पर मछलियाँ खाते हैं और सातों साथ जो है तो ये दम्मे की दवा जो है तो हकीम मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैदराबाद के मुदर्रिस थे, तो इनका ये फार्मूला है कि ये जो दम्मे की दवा जो दी जाती है तो इससे दम्मे से निजात पाते हैं सभी मरीज। अभी दवाखानों में दम्मे के और सांस की बीमारी के लिए बहुत खर्चा आता है और गरीब जनता इसका भार संभाल नहीं सकती, तो ये हकीमी दवा जो देते हैं आप राह लीला में जो काम कर रहे हैं, तो ये आपके पूर्वज करते थे या आपने स्टार्ट किया उस बारे में? ये हमारे दादा परदादा ताया अब्बा, ये हम खानदानी जो है तो चलाते आ रहे हैं। आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमारे पास जो है तो हैदराबाद मुंबई तो मतलब हैदराबाद से, तो वहाँ पर जो है तो लोग जो है तो बड़े पैमाने पर वहीं लेते हैं। मतलब हैदराबाद जो नहीं जा सकते तो अपने औरंगाबाद शहर से जो पैठान हो गया मुंबई हो गया, अड़ोस पड़ोस के जितने भी है इतने शहर वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं। सर ये कितने दिनों का प्रोग्राम है सर? ये 7 जून और 8 जून को रहता है, सुबह 7 बजे से रात के 7। सुबह कितने बजे चालू होता है, शाम में कितने बजे बंद होता है? सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7। आपका नाम बता दीजिए और आपकी शॉप का नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद फैजान है, हमारी दुकान का नाम है मोहम्मद हिसाब। वो भी यहाँ पर मच्छी जो है 7 जून को जो खिलाते हैं वो निगलाने के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ में एक और एक महिला है यहाँ पर जो हथनूर से आए हुए हैं, उसे भी जानते हैं। बस आपका नाम बोलो और आप कहाँ से आए वो सारे बताओ। आप ये दवा लेने के लिए आए हैं, तो आप पहली बार तब आए कि इसके पहले भी आए थे? पहली बार। हमारे साथ में एक और एक भाई है जो हथनूर से आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर सुबह आकर दवाई ली है, उनसे जानते हैं। सर ये जो हकीमी दवा है इससे जो बहुत फायदे होते हैं, तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? पहली बार दवा है, पहली बार दवा है, पूरी दवा है, सुन्नत तरीका दी है, इंशाल्लाह जल्द जल्द ठीक हो जाएगा। आप औरंगाबाद की जनता को खासकर के आपके हरसूल के लोगों को क्या अपील करेंगे कि यहाँ आए और बोलेंगे भी हरसूल के लोगों को यहाँ पे? आपका पूरा नाम बोलिए। सही है, हाँ आ जाइए ना। ये जो मछली निकलाते हैं आप, तो मछली कौन सी किस्म की होती है? ये मछली है तो मुरली बोल के आती है, मुरली मछली रहती है, ये मुरली वो देते हो। अपने यहीं की चाहिए, गंजाल में पैदा होती, मट्टी के अंदर रहती और ये तालाबों में मिलती है। ये मुरली क्यों देते हैं ऐसे, उससे हटके क्यों मछली ने देते हैं? ये में कुछ फर्क रहता है या उसके अंदर तासीरात कैसी है, क्या है? ये मच्छी के तासीरात है, जल्दी है तो मरती नहीं है, पूरा अपना है तो जब जाती है मुँह में तो पूरा गंजाल लेके जो सांस की जो बीमारी का जो रहता अंदर वो लेके अंदर चल जाती है और ये 10-5 मिनट के बाद मरती है, जल्दी नहीं मरती। हमारे साथ अदर साथी मौजूद है यहाँ पर, हाजी मीर मकसूद अली एंड सन्स परफ्यूम्स के। सर आप कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ पर लोग? ये तो हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तकरीबन हमारे बचपन से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई से काफ़ी लोगों को जो तो आराम हो रहा है और इससे काफ़ी लोगों को शिफा हो रही है। अलहमदिल्ला जो भी दम्मे के पेशेंट आते हैं तो उनको यहाँ से अलहमदिल्ला अल्लाह करम से शिफा मिलती है उनको। अच्छा सर आप जनता को क्या अपील करेंगे कि यहाँ 2 दिन का कैंप आइए? बिल्कुल, 2 दिन का जो कैंप है, जो भी दम्मे के पेशेंट है, मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि वो लोग आए और ये दम्मे की जो तो दवा खाकर अपने आप को जो तो फायदा पहुँचाए। सर ये जो है तो सिर्फ जून मिर्च की जो है दम्मे की बीमारी के लिए ये मछली खिलाई जाती है, आम दिनों में क्यों नहीं खिलाई जाती? नहीं, इसका मसला क्या है कि ये मिरक के टाइम में जो असरात जो इसके रहते हैं तो वो मिरक के टाइम में इसका जो तो फायदा होता है। मेरा नाम अमित पंडरीनाथ गनगांव,
अभी सर आप कब से आते हैं यहाँ पर दवा लेने? मेरे ख्याल से मैं पिछले 9 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे आता, 7 तारीख के दिन मेरी पहले यहाँ पे दुकान थी, तो मेरे को यहाँ से मालूम पड़ा था गुलमंडी से, यहाँ पे एक मछली जिंदा मछली जो अपने मुँह में छोड़ी जाती जिसकी वजह से अपने को दमे से राहत मिलती, और उसके अलावा भी इनका कुछ अलग से शॉप है वहाँ पे अपने को दमे की दवाई दी जाती है। मैंने इस बार पहली बार ले लिया है, अब इसका ट्राई करके देखूंगा, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। आप दवा खाने में पहले बताएं, आपको मालूम है कि आपको दमा का प्रॉब्लम है? नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉब्लम है, और मैंने बहुत सुन के ये जगहों के बारे में, इसलिए मैं हर साल यहाँ पे बिना भूले आते रहता हूँ। आप जनता को क्या आवाज करेंगे कि आप यहाँ पर आए और ये दवा? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ये दवाई दी जाती है, सबसे पहले तो जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ इन लोगों की तरफ से, जनता को यहाँ से राहत मिलती है दमे की बीमारी से, सर्दी खांसी की बीमारी से भी राहत मिलती है, तो जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आना चाहिए और इस योजना का लाभ लेना चाहिए। अभी सर सबसे पहले ये बताइए यहाँ पर दवा मिलती है आपको, जनता को वो बताइए। हाँ, यहाँ पर मछली मुँह में छोड़ी जाती है वो फ्री, और उसके अलावा यहाँ पे चार्ज किया जाता है कुछ दमे की बीमारी की जो दवाई रहती है। आज मैंने ले ली है, मैं पहली बार ले लिया है, अभी देखता हूँ इस बार ट्राई करके देखूंगा, अच्छा लगा तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को बोलना चाहूँगा कि आप भी दवाई लीजिए और आयुर्वेदिक दवाई सबसे मेन बात, और इससे राहत मिलेगी। जैसा कि आप सबने सुना है कि हमारे पास एक दवा भी दी जाती है, वो दवा जो है तो हमारे हकीम साहब मरहूम हकीम मोहम्मद यूसुफ साहब जो थे, ये उनका फार्मूला है, ये उन्होंने हमको दिया था, ये हम इसको देते जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। मौजूद है मोहम्मद शाकिर सर, आप भी कितने सालों से दवाई वगैरह दे रहे हैं? ये दवा जो है हम तकरीबन 70 साल से दे रहे हैं, मेरे दादा परदादा चचा ताया सब देते थे उसको। तो मतलब इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं रहता है? नहीं, मच्छी का कोई चार्ज नहीं लेते उसको, वो फ्री में है। आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बाहर बाहर से आते, अपने अतराफ के जितने भी है, जालना परभनी नांदेड़ और तकरीबन लोग आ जाते हैं अपने महाराष्ट्र के। सर आपने बताया कि बाहर से भी लोग आते हैं। जी जी, इसके फायदे क्या है? इसके जो दमा फास्ट चलती है, ये सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जिसको सांस की बीमारी है ना, वो लोगों के लिए फायदेमंद है ये जो है, 8 महीने ये तकलीफ नहीं होती उनको। जी सर, ये 7 जून के ही क्यों लिया जाता है, मकसद क्या है? ये 7 जून में जो मीरक का रहता ना, एक टोटका है इसका, ये मच्छी खाए ये निगलेना, ये स्पेशल जो है दमे वालों के वास्ते ये मच्छी रहती है जी। तो ये कितने दिनों का प्रोग्राम रहता है आपका? ये 2 दिन का है, 7 जून और 8 जून। अच्छा, अगर हम ये पूछना है आपसे जी, कि अगर कोई शख्स को दमा वगैरह नहीं है, हाँ, और वो भी लेना चाहता है, तो उसके कुछ नुकसान या फायदे कुछ है क्या? फायदे है, नुकसान क्या है उसका, सब फायदे है सबके, जैसा आम आदमी भी ले सकता है उसमें, कोई प्रॉब्लम। अगर बच्चों को लेना चाहते कितने साल से ले सकता है? 5 साल का बच्चा ले सकता है, छोटे बच्चे तो खाते नहीं होंगे, बाहर निकाल देते हो, 5 साल का बच्चा जो रहता है वो निकल जाता उसको। ऐसा कभी हुआ सर शाकिर सर के ये दवाई लेने के बाद में किसी को दूसरी शिकायत हुई, वोमिटिंग हुई, उल्टी वगैरह हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए? मैं राजेंद्र चौधरी हूँ, मैं जालना से आया हूँ, 4 साल से दवाई लेता हूँ, मेरे को दमे की शिकायत थी और इससे काफ़ी फायदा हुआ कि 2-3 बार में वो एडमिट दवाखाने में करना पड़ा अर्जेंट, तो ये दवाई लेने के बाद मुझे दवाखाने में एडमिट लेने का कभी जरूरत नहीं पड़ा। मतलब कितने साल सालों से आप दवाई ले रहे हैं? ये मैं 4 साल से ले रहा हूँ। आपने आपने किसी रिश्तेदार को या किसी भाई यहाँ पर ऐसी? हाँ, हमारे रिश्तेदार को जिसको भी हमारे को दमे किसकी शिकायत है उसको बोलता कि भाई ये 7 तारीख को है और मैं आज स्पेशल जालना से आया। परफ्यूम सेल्स में यहाँ मौजूद है, ये फ्री में खिदमत अंजाम देते हैं, कम से कम पिछले 20 सालों से लगातार ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जहाँ लोग हज़ारों की संख्या में आते हैं और पैसे आप होकर जाते हैं, आप ऐसे ही नीतों के और ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम।